क्वेश्चन 13 है बच्चों, हमें एफिशिएंसी बोला है, आइडियल लिख दिया यहाँ पे, और एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक होता है लो टेम्परेचर और एक होता है बच्चों हाई टेम्परेचर। इसको जनरली T1 बुलाते हैं, इसको जनरली अपन T2 लिखते हैं। इस तरह स्टडी करते हैं ना अपन लोग, एक रिजर्वायर होता है बच्चों, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, और इस तरह से हम लोग इसको सिंक के पास भेज देते हैं। ठीक है, ये T2 पे हुए और ये T1 पे है, इसको अपन लोग सोर्स बुला रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ से Q1 जाता है और यहाँ पे जाएगा Q2, और कुछ ना कुछ आपको वर्क मिल जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एफिशिएंसीज 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये होती है रियल इंजन की। जब अपन लोग को आइडियल का बोला जाएगा तो इसी टर्म को कन्वर्ट कर लेना, ये हो जाएगा T2 बाय T1, या आप लिख सकते हो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। क्या होंगे T1 T2? देखो T1 है बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 373 केल्विन और ये हो जाएगा 273 केल्विन। दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो आ रही वैल्यू 100 डिवाइड बाय 373। ठीक है, और एफिशिएंसी का टर्म मिल रहा है। इस टर्म को फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अपन को वैल्यू किस में चाहिए बच्चों, परसेंटेज में। ठीक है, ये आसपास मिलेगा अपन को 26.8% एफिशिएंसी का टर्म है, और ऑप्शन 4 हम लोगों का सही जाएगा। यहाँ घबराना नहीं है अपन को, इन दोनों टर्म्स के बीच में 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस को अपन को इससे यूज करना है। ठीक है, तो एक ही रंग में मिल जाएगा आंसर अपन को। कितना आ रहा है बच्चों? 26.8, ऑप्शन 4 इसका सही है। ठीक है,